फ्रेंड्स नमस्कार, मेरे किसान भाई डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लीवर फ्लूक बीमारी के बारे में कि गाय भैंस भेड़ बकरियों को में ये लीवर फ्लूक की बीमारी कैसे होती है और बीमारी अगर हो जाती है तो इसका इलाज कैसे करते हैं और साथ में जब पशु को कितने दिन में ठीक होता है इस बारे में हम बात करेंगे और इसके लक्षण क्या क्या हैं इस बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि लीवर फ्लूक आखिर बीमारी क्या है और इसका कैसे इलाज करते हैं। लीवर फ्लूक आखिर एक एक पैरासिटिक डिसीज़ है जो एक पैरासाइट के कारण होती है, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो परजीवी जिसको बोलते हैं हम। परजीवी यानी कि ऐसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर निर्भर रहता है, उस दूसरे जीव के शरीर को खाता है, उसी को हम परजीवी बोलते हैं। तो ये परजीवी क्या करता है कि इसी को हम तो परजीवी जो लीवर फ्लूक का जो परजीवी होता है इसको हम बोलते हैं फेसियोला हिपेटिका नामक जो इसका नाम है इस परजीवी का। और ये परजीवी पशु के शरीर में कैसे पहुंचता है इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई लीवर फ्लूक से ग्रसित पशु चरने जाता है कहीं पर भी, ऐसी जगह जहाँ घास बड़ी है वहाँ पर चरने जाता है, तो जब वह चरने के दौरान गोबर करता है और ऐसी जगह गोबर कर देता है जहाँ पर पानी थोड़ा हल्का फुल्का वहाँ पर जमा या बह रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि जो उस लीवर फ्लूक के जो अंडे होते हैं वो अंडे उस पानी में और उस घास में नीचे मतलब गोबर के थ्रू फैल जाते हैं। और जैसे पानी में मिक्स होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो घोंघे होते हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल छोटे छोटे शंख जैसे ज़मीन पर चलते फिरते आपने कई बार देखा होगा, घर जब बरसात के दिनों में घर की दीवारों पर, कच्ची दीवारों पर या ईंटों की दीवारों पर घोंघे जो होते हैं वो चलते फिरते रहते हैं, तो वो जो छोटे आकार के जो घोंघे होते हैं शंख छोटे छोटे शंख के आकार के, तो उस घोंघों के अंदर जो अंडे वो जो है लार्वा के रूप में, जैसे वो पानी के संपर्क में अंडे आते हैं तो वो लार्वा बन जाते हैं और वो लार्वा उस घोंघे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर ही वो बड़े होते हैं, वहाँ पर उनका विकास होता है। जब उन उस लार्वा का इस परजीवी यानी कि फेसियोला हिपेटिका जो ये परजीवी है, इस परजीवी का विकास हो जाता है और वो लार्वा जैसे बड़े हो जाते हैं तो ये वापस घोंघे से बाहर निकलते हैं और घोंघे से बाहर निकलने के बाद ये घास की पत्तियों के नीचे चिपक जाते हैं या ऐसी जगह जहाँ पर पानी जमा है जैसे तालाब है। ज़्यादातर ये जो परजीवी है आप जैसे कि इस फोटो में देख रहे हैं कि ये तालाब के किनारे ज़्यादातर मिलते हैं या ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पर पानी इकट्ठा जमा होता है या जहाँ पानी का बहाव कम होता है वहाँ पर, या दलदली क्षेत्र में घास होती है उस जगह पर ये घोंघे सबसे अधिक पाए जाते हैं, ये परजीवी पाया जाता है। तो ये जो लीवर फ्लूक का जो परजीवी वहाँ पर क्या होता है कि जब आपका पशु चरने जाता है तो उस चरने के दौरान वो उस पशु के शरीर के अंदर वो चला जाता है, तो वो जो लीवर फ्लूक का जो परजीवी पशु के शरीर में चला गया तो वहाँ पर सबसे पहले वो जाता है पेट के अंदर यानी कि रूमन के अंदर, वहाँ से वो छोटी आंत के अंदर जाता है और छोटी आंत की दीवालों के अंदर घुस के वहाँ से अपनी जगह बनाते वो लीवर के अंदर चला जाता है और लीवर के अंदर अपने को ही खाने लग जाता है। आप देख रहे हैं कि जैसे इस फोटो के अंदर कि लीवर के अंदर जो इसमें गहरे घाव हो गए हैं और वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद ये इतने ज़्यादा अंडे देता है कि एक दिन में 20,000 तक ये अंडे दे देता है और वापस ये वही साइकिल चलाता रहता है पशु के शरीर के अंदर। तो ये अंडे वापस फिर से पशु के गोबर के थ्रू बाहर निकलते हैं, फिर पशु कहीं चरने जाता है, गोबर करता है, पानी के संपर्क में अंडे आते हैं और फिर से वो लार्वा एक तरह से उस जो है लीवर फ्लूक का जो है परजीवी नया तैयार हो जाता है, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। तो ये है एक लीवर फ्लूक का, मैंने आपको जैसे कि बताया कि पशु में फैलता कैसे है यानी कि अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है कि लीवर फ्लूक हो जाने के बाद पशु के शरीर में क्या लक्षण प्रकट होते हैं कि हमको पता चले कि इसको लीवर फ्लूक ही हो गया है। सबसे पहला लक्षण ये दिखता है कि पशु का जो गोबर होता है वो बदबूदार के साथ साथ उसमें बुलबुले उठते हैं। जब आप पशु कहीं पर आप देखेंगे गोबर कर लेता है तो वहाँ पर ऐसे बुलबुले पूरे गोबर के अंदर उठे हुए नज़र आएंगे, तो आप पहला प्राथमिक लक्षण दिख जाता है वहाँ पर कि इस पशु को लीवर फ्लूक की बीमारी हो सकती है, बिल्कुल 99% इसको हो सकती है। सेकेंडरी लक्षण
सबसे ज़्यादा उसको भूख लगना एकदम से कम हो जाती है। अगर आपका पशु दुधारू है तो दूध देना एकदम से कम हो जाता है। गाभिन पशु है तो एकदम से वो भूख कम लगने के साथ साथ उसका खाना पीना कम हो जाएगा, तो एकदम कमज़ोर हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, उसकी चमड़ी या खाल है जो बिल्कुल एकदम से रफ दिखने लग जाएगी, आपको खुरदरी एकदम से बाल आप देखेंगे तो पूरे शरीर पर ऐसे हाथ लगाएंगे तो बाल हाथ में आ जाएंगे। तो ये कॉमन समस्या है, भूख ना लगना, ये सब चीज़ें एक लक्षण है। सबसे बड़ा लक्षण जो दिखता है लीवर फ्लू के अंदर, जबड़े के जो नीचे होता है उसको बोटल जा बोलते हैं, वहाँ पर एक गद्दीदार सूजन आ जाती है। उस सूजन को जब हम हाथ से उसको ऐसे थपथपाते हैं, दबाते हैं, तो वो सूजन बिल्कुल नर्म फील दिखाई देती है। तो ये एक पहला लक्षण है कि लीवर फ्लू के जबड़े के नीचे सूजन आना, ये दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है। तो ये जब प्रकट हो जाता है तो मान के चलिए कि हम इसको मान लेते हैं कि इसको लीवर फ्लू ही हो गया है। तो अब जब इस कंडीशन में जब हमको पता चल गया है कि लीवर फ्लू के, तब इसका इलाज कैसे करें? इलाज में कोई भी देसी ट्रीटमेंट या चाहे नीम की पत्ती या कोई भी ऐसी चीज़ देंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे पशु चिकित्सक को बुला के उसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो अगर आप पशु चिकित्सक को आप देखेंगे कि अगर आपको जागरूक पशुपालक है या किसान भाई है, तो आप नीलजान करके विर्बेक कंपनी का एक लिक्विड सस्पेंशन आता है जिसमें लिवेमेजोल है, ऑक्सीक्लोजानाइड है और साथ में कोबाल्ट दिया हुआ है। तो ये पूरी तरह से एक कंप्लीट 100 ml का डोज है, चाहे गाय हो चाहे भैंस, इसको पूरा 100 ml का डोज इसको पिलाना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसको एक बार देने के बाद 15 दिन बाद ही रिपीट करें, जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि 3-4 दिन बाद इसको रिपीट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि लीवर फ्लू को ये ऑक्सीक्लोजानाइड या लिवेमेजोल जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो पशु पहले ही बहुत कम खा रहा है तो बाद में एकदम से पता चलेगा कि अगर आप जल्दी से इसको रिपीट कर देंगे तो बिल्कुल एकदम खाना पीना छोड़ देगा वो। तो आपको इसको एक ही बार देना है, दूसरा सेकेंड डोज रिपीट इसको 15 दिन बाद इसको रिपीट करें। लीवर जब आप देख रहे हैं इस फोटो के अंदर कि लीवर पूरा जब ये पैरासाइट यानी परजीवी खा लेता है तो इसके लीवर की बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। मल्टीविटामिन इंजेक्शन, लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन कम से कम 15 ml इसको प्रतिदिन दीजिए इंट्रामस्कुलर। अगर आपका पशु बिल्कुल भी नहीं खा रहा है तो इसमें इसको आप डेक्सट्रोज या वॉक्ट्रोज या इंटरलाइट जो भी है वो कम से कम 1 L इसको IV जरूर दीजिए। और इसके साथ साथ इसके अंदर न्यूरोकाइंड है या आपकी बात करें तो जो भी नर्वाइन इंजेक्शन है वो इसके अंदर मिलाइए, फास्फोरस का इंजेक्शन मिलाइए, ताकि पशु को शरीर में एनर्जी बनी रहे, ताकत मिलती रहे उसको, तो आपका पशु कमज़ोर नहीं होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने मेडिसिन बताई है नीलजान या फिर डिस्टोडिन की बात करें जिसके अंदर प्लेन केवल ऑक्सीक्लोजानाइड है, इसको भी आप दे सकते हैं। ये गर्भावस्था में पूरी तरह से 100% सेफ और सुरक्षित है, तो इसमें किसी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु की कंडीशन तभी होती है कि जब बहुत ज़्यादा गंभीर कंडीशन पूरी तरह से जब लीवर को वो ये परजीवी खा जाता है लीवर फ्लू का, तभी पशु की मृत्यु होती है, अन्यथा पशु 15 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पशुपालक आखिर क्या करे? पशुपालक जो है पशु को चरने के लिए जब भी ले जाए तो खुले दलदली या ऐसी नमी वाली जगह जहाँ पर कम पानी बहता हो ऐसी जगह ना ले जाए, और अगर ऐसी जगह ले जाते हैं तो आप नीलजान का बरसात के दिन बाद ये लीवर फ्लू की बीमारी होती है, अगर आप ले भी जाते हैं तो नीलजान या फिर डिस्टोडिन की जो गोली आती है जिसके अंदर ऑक्सीक्लोजानाइड है उसको, बड़े पशु की बात करें तो ये 6 गोली यानी कि आपको देना पड़ेगी। नीलजान की बात करें 100 ml, बकरा बकरी की बात करें तो बकरा बकरी में कम से कम 30 ml आपको नीलजान या 1 गोली डिस्टोडिन की ऑक्सीक्लोजानाइड की देना पड़ेगी। भेड़ बकरियों में भी आपको सेम, ये भेड़ के अंदर भी यही आपको गोली देना पड़ेगी। भैंस की बात करें तो भैंस के अंदर भी वही डोज है 100 ml नीलजान का। तो इससे ही आपका पशु जल्दी से, उससे क्या होगा कि सारे नीलजान से परजीवी जो है ये पैरासाइट की मर जाएंगे, तो परजीवी तो मर जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि इसका लीवर जो इतना ख़राब हो चुका है उसको ठीक करने के लिए लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन लगातार उसको कम से कम 3-5 दिन तक, मिनिमम 5 दिन तक उसको लगवाइए अपने पशु चिकित्सक से, तो ये समस्या भी आपकी, पशु भी पूरी तरह से ठीक होके क्योर हो जाएगा। तो ये आपको मैंने एक लीवर फ्लू के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बता दी है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।